द्वारका में स्वतंत्रता दिवस पर सुधा सिन्हा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज वितरण और राष्ट्रगान समारोह किया गया। द्वारका सेक्टर 23 के पंचनपुर में फेडरेशन ऑफ CGHS द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज वितरण और राष्ट्रगान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ CGHS की प्रेसिडेंट सुधा सिन्हा द्वारा आयोजित किया गया। झंडा वितरण का कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वीं देश की वर्षगांठ को मनाते हुए किया गया, जहां पे हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का वाहन झंडा का कार्यक्रम किया गया, जहां पे हमने व्यक्ति के हाथ में झंडा दिया और 5 बजे राष्ट्रगान को गाया। और ये कार्यक्रम आज पूरे दिल्ली में किया गया और द्वारका क्षेत्र में पोचनपुर में सभी निवासियों ने एक साथ मिलकर आज झंडा लहराया, झंडे का वितरण किया और राष्ट्रगान गाया। जय हिंद। जिसमें पोचनपुर वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति भी जाहिर की। झंडा वितरण में करीबन 1000 झंडे लोगों को वितरित किए गए और साथ ही राष्ट्रगान भी किया गया। आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? सर, पूरी दुनिया का नाम रोशन करने। बहुत बढ़िया। पहले भारत का नाम रोशन करेंगे, दुनिया का भी बताओ? सर, भारत का। बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू। आइए और आइए। एक एक करके आओ बच्चे। कानपुर की नाना की मुंगोली बहन छवीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कपाड़ कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी, बुंदे लेहर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी की। धन्यवाद। सभी पोचनपुर वासी और वहाँ के बच्चों में अलग ही उत्साह और उमंग की लहर थी। मेरा नाम मिसेज राजवाला, मैं पोचनपुर गांव से बिलोंग करती हूं। ये जो आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, उसके से मेरा दिल आज बहुत खुश है। ये मुकेश सिन्हा जी और सुधा सिन्हा जी के प्रयास से जो पोचनपुर गांव में होली चौक पे जो ये दिवस मनाया गया है, 5 बजे राइट गंगा जनगण मन हुआ है, उससे मेरा दिल बहुत खुश है और मैं आशा करती हूँ कि बच्चों में ये उमंग हमेशा के लिए कूद कूद कर भरा जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आगे इससे भी ज्यादा और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बच्चों ने बहुत तय दिल से लड्डू बांटे, लड्डू बटोर दिखाए और राष्ट्रगान राष्ट्र के हाथ में झंडे थे, 700-800 झंडे थे। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करूंगा। बी ब्लॉक कोचिंग खुश हूँ और आप सब लोगों को स्वाधीनता 75वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि 75वें स्वाधीनता दिवस पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज सुधा जी और मुकेश जी के सौंदे से ये झंडा वितरण का राष्ट्रगान का कार्यक्रम यहाँ पर सम्पन्न हुआ।